What's up guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kaswan Dev here. So guys, आज जिस जगह मैं आया हूँ वो काफ़ी लोगों को लगता है कि रियलिटी में ये प्लेस एग्जिस्ट नहीं करती, और ये प्लेस है साइतामा में कासुकाबे सिटी. और गाइज, कासुकाबे का नाम सुन के सबसे पहले दिमाग में जो चीज़ आती है वो है सिंचैन. एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी सिंचैन की सिटी है जिसका नाम है कासुकाबे. तो यहाँ पे मैं आज व्लॉग शूट करने आया हूँ, तो अभी चलते हैं एक सिंचैन का, यहाँ पे पास में म्यूजियम है उधर, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसी होती है सिंचैन की सिटी. तो गाइज, इस शॉपिंग मॉल में थर्ड फ्लोर पे है सिंचैन का म्यूजियम, तो अभी ऊपर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या है क्या नहीं है. तो गाइज, ये सिंचैन का गेम सेंटर, और मेन एंट्रेंस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंचैन की जो शॉर्ट क्लिप्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है. तो गाइज, अभी इस गेम सेंटर के अंदर चलते हैं और आपको अंदर का टूर देते हैं कि अंदर से कैसा है ये. तो गाइज, सामने यहाँ पे एंट्रेंस पे बोचैन का एक स्टैचू रखा हुआ है, एंड बाकी वहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि LCD पे सिंचैन की जो मूवी है उसके ट्रेलर चल रहे हैं. तो गाइज, यहाँ सामने रखी हुई है सिंचैन की कुछ मूवी की DVDs जो अपने इंडिया में रिलीज़ नहीं होती, वो ये मूवीज़ है. और ये रिलीज़ इंडिया में इसलिए नहीं होती बिकॉज इंडिया में इनको डब नहीं किया जाता हिंदी में, तो इंडिया में रिलीज़ नहीं होती. ये पूरी जैपनीज़ में है, तो अगर आप यहाँ से लेना चाहो तो आप यहाँ से DVD ले सकते हो. तो गाइज, ये है सिंचैन का पूरा म्यूजियम, अंदर से बना रखा है. यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सिंचैन की मूवीज़ वगैरह चल रही है इधर. और गाइज, ये वो मूवीज़ है जो अपने इंडिया में बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होती, ये बस लिमिटेड एडिशन है जो इसी जगह मिलता है, ये और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा. तो गाइज, ये है सिंचैन की बस जिसमें वो अपनी स्कूल जाता है. तो ये एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए बना रखी है ताकि वो अंदर जाके बैठ के खेल सकें. और गाइज, ये यहाँ पे है सिंचैन नोहारा फैमिली की कार जिसमें वो जब भी बाहर जाते हैं तो इसी कार में जाते हैं. और ये भी एक्चुअली बच्चों के लिए बना रखी है, बच्चे अंदर बैठ के खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, सिंचैन नोहारा फैमिली की कार का फील ले सकते हैं. और गाइज, यहाँ पे ये कुछ अलग अलग टाइप के UFO कैचर्स है, यहाँ पे आप 100 yen का कॉइन डाल के आप यहाँ पे ये गेम खेल सकते हो. और गाइज, ये अभी एक न्यू मूवी लगी है सिंचैन की, तो ये शायद अभी रिलीज़ नहीं हुई है, अभी आगे रिलीज़ होगी. यहाँ पे ये गाइज अलग अलग प्रिंट्स है, ये एक्शन कॉमन के हैंड का प्रिंट है, और ये क्वांटम रोबोट के पाँव का प्रिंट है. तो यहाँ पे ये चारों तरफ ये प्रिंट्स दे रखे हैं. नोहारा शिरो, ये शिरो के पाँव हैं. तो गाइज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि शिरो का क्या मतलब होता है जापानीज में. तो गाइज, ये आपको पता होगा ये क्या चीज़ है, ये सिंचैन की सबसे फेवरेट चीज़ है. ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये क्या चीज़ है. मुझे पता है ये ऊपर जापानीज़ में लिखा है, मैं पढ़ सकता हूँ इसे, बट आप बताना ये क्या चीज़ है. ये जापानीज़ स्नैक है, सिंचैन का फेवरेट स्नैक है ये. और ये भी सेम है, ये इसका दूसरा फ्लेवर है. तो आप मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में कि इसका नेम क्या है. तो गाइज, अभी आप देख सकते हो पीछे, हम अभी अंदर थे इसके, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. मतलब गाइज, बहुत सारी सिंचैन की रिलेटेड मूवीज़ वगैरह, मांगा वगैरह बहुत सारी है, तो आप यहाँ पे आके इन्जॉय कर सकते हो. तो अभी गाइज, हम लोग सिंचैन के गेम सेंटर से आ चुके हैं, और काफ़ी कुछ था सिंचैन के रिलेटेड, जैसे कि सिंचैन की जो मूवीज़ थी कुछ वहाँ पे जो अपने इंडिया में रिलीज़ नहीं होती बिकॉज वो डब नहीं होती इंडिया में, इसलिए काफ़ी कुछ मूवीज़ यहाँ पर रिलीज़ नहीं होती. तो वो सब चीज़ें थी. अभी बाहर जो मेन सिटी है कासुकाबे, वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि मतलब जो सिंचैन में दिखाया होता है और रियलिटी में कितना कुछ डिफरेंस है. तो अभी बाहर चल के देखते हैं. तो गाइज, यहाँ पे मतलब कासुकाबे में काफ़ी कुछ मतलब एनीमे वाली फील आ रही है, जैसे हम इंडिया में सिंचैन की कैसे लाइफस्टाइल होती थी, कैसे घर होते थे, वो सारी यहाँ पे फील आ रही है एक्चुअली, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो सारे घर ऐसे जैसे अपने एनीमे में देखते थे, तो काफ़ी कुछ अच्छी फील आ रही है यहाँ पर.
तो गाइज ये वही रिवर है, आप मेरे पीछे जो रिवर देख रहे हो वो यही रिवर है जो सिंचैन में दिखाई गई है। और उस साइड में ये पूरी कासुकाबे सिटी है और इस साइड में ये पूरा गांव वाला इलाका है। आप समझ सकते हो कैसा नज़ारा होगा। गाइज ये काफ़ी शांत इलाका है, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे लोग नहीं है आसपास, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है, वरना टोक्यो में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। सो गाइज यहाँ कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुई थी तो आप सड़कों पे स्नो देख सकते हो, अभी धीरे धीरे पिघल रही है तो काफ़ी संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो फिर पाँव फिसल जाता है। गाइज ये वाली वही बिल्डिंग है जिसमें कज़ामा रहता है, आपने देखा होगा सिंचैन में जिस बिल्डिंग में कज़ामा रहता है वो यही बिल्डिंग है, आप देख सकते हो पीछे ये ब्राउन कलर में। तो गाइज आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। होपफुली कासुकाबे सिटी आपको बहुत पसंद आई होगी, काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है और अगर आप आना चाहो तो आप ज़रूर आ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कुछ देखने को है सिंचैन के रिलेटेड, काफ़ी एनिमे वाली फील आती है इस जगह पे। तो अगर आप ये वाला वीडियो मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ जापान के ऊपर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो अभी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।